मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर भले ही जनप्रतिनिधियों का रवैया उदासीन बना हुआ हो, लेकिन अब आम जनता और दुकान संचालक कोरोना के प्रति गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसकी एक वानगी उज्जैन जिले के तराना में देखने को मिली, जहां विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते रविवार को अपनी अपनी दुकान और गैरेज बंद रखने का फैसला लिया है। दरअसल रविवार को तराना नगर के ऑटो पार्ट्स दुकानदारों और गैरेज संचालकों की अहम बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सादिक भाई को अध्यक्ष व मेहराब खां को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं बैठक के दौरान समस्त संचालकों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर रविवार को समस्त ऑटो पार्ट्स दुकान और गैरेज बंद रखने का फैसला लिया। इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। ये पहल इसलिए चालू कर रहा है कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, उसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ क्या इतवार के दिन सब अधिकारियों ने सब छुट्टी पर रहते हैं और वो मैकेनिक लाइन पे आते हैं और काम करवाने करते हैं, तो हमने उस दिन उनके लिए पहल करी है कि सरकारी अधिकारी सब हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हम इधर उधर एक जगह इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ लग रही है हमारी दुकानों पर, इसलिए हम चाहते हैं कि इतवार के दिन सब मैकेनिकों ने एका करा है हमारी मर्जी से कि हम उस दुकानों को बंद रखें इतवार के दिन। मैकेनिक लाइन ऑटो पार्ट्स और मैकेनिक सबसे कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, जा जाके मिले हैं उनने, उनकी भी सहयोग लिया है पूरा कि हाँ हम भी बंद करना चाहते हैं। सभी लोग इच्छा से बंद कर रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी इच्छा से बंद कर रहा है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं, दुकानें बंद रहे। हाँ, पूरी कोशिश रहेगी सबकी, सबने यहाँ कर ली और सब साथी हैं। आपका नाम? इम्तियाज खान। सब हमारी मर्जी से एक दिन के लिए सब छुट्टी रख रहे हैं, लॉकडाउन के तहत जो चलते हुए बंद था जी, हमने इतवार के दिन सबने निर्णय लिया है कि हम बंद रखेंगे सारा काम आज के दिन। कोरोना महामारी को लेकर कुछ निर्णय लिया गया है? हाँ, एसोसिएशन ने मिल के लिया है कि या कुछ दो चार दुकानें बंद रहेंगी या पूरा नगर में बंद रहेगी? नगर के दुकानों में बंद रहेगी, टू व्हीलर के ऑटो पार्ट्स और ये गैरेज लाइन, मैकेनिक लाइन। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।